तो आज इस वीडियो में सीखेंगे वाटर टैंक कैपेसिटी कि अगर आपके पास कि मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले वीडियो में, उसमें हमने सीखा था कि वाटर टैंक जो आपके छत पे है, जो टेररिस पर है, उसको कैसे रखते हैं, उसका प्लेटफॉर्म कैसे बनाते हैं। तो वहाँ पे आपने काफ़ी कमेंट्स किया था कि सर वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो कैसे बनाए। अंडरग्राउंड भी हमें बनाना होता है, जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर में बनाना होता है स्टोरेज का, स्टोरेज पर्पज़ के लिए या फिर फैक्ट्री के लिए, फिर इंडस्ट्रीज पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पे वाटर टैंक बनाते हो आप रेक्टेंगुलर शेप में, या फिर आप आरसीसी बनाते हो छत पे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपके 10 फ्लोर 5 फ्लोर जो बिल्डिंग होती है, तो उसके बेस पे क्या होता है कि जो कैपेसिटी होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उस बेस पे रेक्टेंगुलर टैंक वाटर टैंक बनाते हैं। अगर कैपेसिटी ज़्यादा कम होती है तो मैनुअली जो पीवीसी टैंक होता है तो वो ले आते हैं, 1000 लीटर 500 लीटर, तो उसकी जो लाइफ टाइम जो होता है वो थोड़ा कम होता है, वो मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है अच्छी नहीं होती है, तो वो उसका जो टाइम पीरियड होता है मिनिमम 2 साल 3 साल 5 साल या 10 साल तक तो मैक्सिमम उसकी लाइफ होती है। तो इसमें हम सीखेंगे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, तो 1000 लीटर का टैंक है या फिर 5000 लीटर का टैंक है, तो उसमें हम देखेंगे लंबाई चौड़ाई गहराई क्या होनी चाहिए। तो मैंने ये थोड़ा सा डायग्राम बना दिया इसमें, तो नेक्स्ट वीडियो हम सीख लेंगे रेक्टेंगुलर शेप में, या आपका रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा, फिर राउंड शेप में सीखेंगे कि अगर आपके पास राउंड शेप है तो वो होलो कॉलम कैसे करेंगे राउंड शेप में। तो काफ़ी वीडियोज आती रहेगी, सीरीज बनाते रहेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले देखना है कि आपका इस तरह का कोई वाटर टैंक रहना है, तो उसमें चौड़ाई आपकी, फिर ये ब्रेथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ आपकी चौड़ाई रहनी है, तो इसके डायमेंशन क्या रखेंगे अगर आपके पास 1000 लीटर का टैंक है तो, अगर आपके पास 1000 लीटर का तो क्या है, तो दोनों एग्जाम्पल हम सीखेंगे। तो इसी बेस पे आप किसी भी टैंक बना सकते हो। तो ये मैंने मिनिमम 1 फीट आपको या फिर 500 मिलीमीटर इसको हाइट रखनी है, ये आपको हाइट ये आपको खाली छोड़ देना टैंक में। अगर आप इसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर में बना रहे हो तो उसके ऊपर आप फ्रेम बनाओगे ऊपर, तो उसमें क्या बन जाती है, गैस बन जाती है, मतलब पानी फुल हो जाता है तो उसमें गैस बन जाती है। तो अब मिनिमम आपको 500 मिलीलीटर, मतलब भी आपको 600 या फिर 2 फीट या फिर 1 फीट तक इसको खाली रखें, जिससे कि इसमें एयर बनी रहे, एयर आराम से बनी रहेगा। उसमें क्या होता है, एयर नहीं बनती है तो प्रेशर पानी नहीं निकलता है, तो इसमें से ये बना के रखें। या फिर ग्राउंड फ्लोर में बनाते हैं तो वहाँ पे भी एयर प्रेशर, वाटर प्रेशर का जो होता है आउटफोर्स में, तो वहाँ पे भी वाल को खाली छोड़ दे ऊपर से। तो एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले कैपेसिटी हमारे पास है 1000 लीटर का टैंक है, तो इसमें हम कैसे ही निकालेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं डेंसिटी क्या होता है। तो हमारे पास है डेंसिटी, आपको पता है कि जो वाटर डेंसिटी होता है कितना वॉल्यूम होता है, अगर 1 मीटर क्यूब है, अगर ये वाटर टैंक 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर लंबाई होती है, 1 मीटर चौड़ाई होती है, 1 मीटर हाइट होती, तो इसमें कितना पानी आता, तो वो इसमें आता हमारे पास 1000 लीटर, तो इसमें 1000 लीटर पानी आता। तो उसके बाद हम देखना है कि 1000 लीटर आ गया, बट लेकिन हमें तो डायमेंशन जो लंबाई चौड़ाई है अलग अलग लेनी है, कि आप चाहते हो कि जो वाटर टैंक है वो कम से कम इसकी जो गहराई रहे आपका 600 रहे, मतलब 2 फीट कम से कम रहे। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, अगर आपके पास लंबाई, तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डेप्थ, एरिया इंटू डेप्थ या फिर हाइट। तो एरिया क्या होता है आपका, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डेप्थ। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम है हमारे पास 1000, तो 1000 लीटर है, तो यहां पे कितना हुआ 1 मीटर क्यूब, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 मीटर क्यूब। अगर आपके पास है डेप्थ गहराई है, अगर आपके पास आपने आप चाहती हो कि डेप्थ मुझे चाहिए कम से कम 600 मीटर, 600 मीटर में कितना होगा आपको 2 फीट, 2 फीट गहराई हो गई, तो आप चाहते हो कि मुझे कम से कम गहराई 2 फीट चाहिए, तो इस बेस पे आपका क्या बना एरिया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया इंटू डेप्थ कितना है 2 फीट, या फिर 0.60 मीटर। तो अब क्या करते हैं, तो सिंपल क्या करना है, 1 मीटर से इसको भाग कर लेते हैं 0.60 से, तो आपके पास बन जाता है एरिया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 मीटर, तो 1 मीटर को हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 0.6, तो कितना बन जाता है, तो 1 डिवाइड बाई 0.60 हमारे पास बचता है 1.67, तो 1.67 मीटर इसके बच जाता है आपके पास एरिया, ये आपके पास क्या बना एरिया बन गया। अब एरिया क्या होता है, एरिया को निकालने के लिए अगर आप इसको स्क्वायर को हटाते हो, अगर इसको स्क्वायर को हटाते हो तो इसमें अंडर रूट लगा देते हो, यहाँ पे सॉरी एरिया है ए का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, एरिया क्या हुआ इतना स्क्वायर, तो एरिया हमारे पास है, एरिया हमारे पास हो गया 1.67 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर को हटाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होती है,
तो अगर आप चाहते हो कि चौड़ाई, अगर इसको पहले देख लेते हैं लंबाई चौड़ाई क्या बन रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट 1.67, 1.67 तभी तो आप लंबाई चौड़ाई निकाल पाएंगे तो रूट हटाने के लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल 1.67, तो इसमें अंडर रूट होगा 1.67, तो ये आपको क्या हुआ 1.29। तो हमें सिंपल क्या करना है, इसका अंडर रूट कर देना था, तो अंडर रूट में 1.67 इक्वल टू आता है हमारे पास 1.29। तो 1.29 ये क्या रहेगी आपकी, ओनली लेंथ, सॉरी ब्रेथ और विड्थ, ब्रेथ और विड्थ रहेगी मीटर। तो अब हमारा क्या बना कि अगर ये स्क्वायर में होता है, अगर इस तरह से होता है, तो ये जो गहराई है आपके पास, तो ये गहराई हमारे पास अगर आप चाहते हो कि 0.6 रहे, 2 फीट रहे, तो एरिया क्या बना, ये वाली जो चौड़ाई रहेगी, ये चौड़ाई हमारे पास 1.29 आ गई और ये चौड़ाई भी हमारे पास 1.29 मीटर आ गई। अगर हम वॉल्यूम दोबारा निकालें तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है फार्मूला, एल इंटू बी इंटू डेप्थ या फिर हाइट। तो इसमें हमारे पास आ गया है लंबाई क्या है 1.29, चौड़ाई क्या है 1.29 और डेप्थ हमने निकाला था 0.60, तो 1.29 निकाला था। तो एरिया का फार्मूला, ये हमारे पास एरिया होता है, एरिया का फार्मूला, एरिया क्या होता है एरिया, तो इसका यहाँ पे हमने निकाला था अंडर रूट के लिए। तो सिंपल 1.29 इंटू 1.29 इंटू 0.60 इक्वल टू 0.998। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 0.998 मीटर क्यूब, या फिर हमारे पास आ गया 1.0 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम, आपका जो एरिया रहेगा, जो वॉल्यूम रहेगी, इतने लंबाई इतनी चौड़ाई जो एक क्यूब के अंदर होता है, अगर ये क्यूब 1 मीटर गहराई होता है, 1 मीटर चौड़ाई होता है और 1 मीटर ब्रेथ एंड विड्थ एंड डेप्थ होता, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आती है, 1 लीटर में पानी आ जाता है हमारे पास 1000 लीटर। आप इसको, इस टैंक को आपको किसी भी रिक्वायर्ड में बांध सकते हो। तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास है कैपेसिटी, हमारे पास है 5000 लीटर। तो 5000 लीटर को आपको क्या करना है, इसको भी आपको डायमेंशन लेना है, क्या रहना है आपके पास है वॉल्यूम, अगेन हमें फार्मूला में पुट करना है। तो वॉल्यूम हमारे पास होता है एरिया इंटू डेप्थ, एरिया इंटू डेप्थ, तो उसमें हमने निकाला था एरिया। अब हम दूसरा मेथड सीखेंगे, अगर आपका कैपेसिटी चाहते हो कि एरिया में, आप इसमें क्या चाहते हो, इसमें हमारे पास लेंथ, मतलब कि आपके पास सॉरी लेंथ नहीं लेता हूँ, आपकी ब्रेथ, आपकी विड्थ एंड डेप्थ, आप ये चाहते हो कि मुझे ये चीज़ अलग अलग चाहिए, सभी अलग अलग चाहिए, तो इस बेस पे हम क्या निकालेंगे, अगर 5000 लीटर का टैंक है तो उस बेस पे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास है 5000 लीटर, तो 5000 लीटर कितना होगा, 5 मीटर क्यूब। अगर आपके पास 300 लीटर पानी है, तो 300 लीटर पानी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, तो 0.300 लीटर को, तो 300 लीटर आपके पास, तो 300 में कितना हुआ, यहाँ पे होता है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है आपको, तो 300 है तो 300 भाग 1 कर देना है, तो ठीक है। तो ऐसे पूरी डिटेल में आगे सीख लेंगे हम इसमें। तो वॉल्यूम हमारे पास है 5 मीटर क्यूब, तो हमारे पास है ये 5 मीटर क्यूब, तो 5 मीटर क्यूब हो गया, 300 है तो 0.3 मीटर क्यूब। तो 5 मीटर क्यूब में हमारे पास एरिया निकालना है, पहले सबसे पहले निकाल लेंगे एरिया। डेप्थ क्या चाहिए आपको पास, 5 लीटर है तो आपको एरिया मिनिमम गहराई क्या रखेंगे, अगर 5 लीटर की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या बनती है आपके पास, तो वॉल्यूम क्या बनती है अगर 5 लीटर का इसमें पानी आता है, तो 5 लीटर आने में हमारे पास है, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, इसमें आपको गहराई देखनी है मिनिमम आपको क्या चाहिए। तो सपोज कीजिए आप चाहते हो कि 1.5 मीटर आपके पास गहराई रहे, कि आप चाहते हो इसमें गहराई 1.5 मीटर रहे, तो उस बेस पे एरिया क्या बनता है, तो एरिया बनने के लिए सिंपल वही करना है आपको, 5 से इसको भाग कर लेना है, तो वॉल्यूम ये एरिया के साथ रहेगी, तो 1.5, तो इससे इसको भाग कर लेते हमारे पास बच जाता है एरिया, तो 5 भाग 1.5 तो कितना हुआ 3.33, तो 3.33 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बचता है आपके पास एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास था मीटर क्यूब और यहाँ पे था मीटर, तो इससे इसके यूनिट कट जाती है, एक यूनिट कट जाती है, तो हमारे पास मीटर स्क्वायर बच जाता है।
तो एरिया हमने निकाला यहाँ पे 3.33 मीटर स्क्वेयर, तो 3.33 स्क्वेयर। और यहाँ पे हम निकालते हैं ब्रेथ इंटू विड्थ, ब्रेथ लंब चौड़ाई, जो उसकी चौड़ाई होती है दोनों साइड की, तो वो क्या निकालेंगे, साइड इंटू साइड। तो इसको सिंपल क्या करना है, अंडर रूट। तो 3.33 स्क्वेयर हटाने के लिए अंडर रूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें अलग अलग चाहिए, तो इसमें क्या करना, सिंपल अंडर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप वर्गमूल बोलते हो। तो 3.33, तो सिंपल क्या बचता है हमारे पास, 1.82, तो 1.82 मीटर। तो वाटर टैंक हमारे पास इस तरह का वाटर टैंक बना। इसकी गहराई आपने ली 1.50 मीटर, और इसकी चौड़ाई आ गई 1.82 मीटर, और ये वाली भी चौड़ाई आपकी 1.82 मीटर। बट लेकिन इस कंडीशन में आप चाहते हो कि मुझे एक कम चाहिए, तो इस कंडीशन में आप चाहते हो कि वो एक गहराई 1.5 मीटर, मतलब कि चौड़ाई 1.5 मीटर रखना है, या फिर ये वाली 1.5 मीटर रखना है। तो उस बेस पे क्या होता है, अगेन हमारे जाएंगे, एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ लंबाई गुना चौड़ाई। तो एरिया हमारे पास है 3.33 मीटर, तो 3.33 मीटर स्क्वेयर एरिया है। और लंबाई या चौड़ाई, इन दोनों में से कौन सा आपको लेना है, लंबाई लेनी है या फिर चौड़ाई लेनी है, कितना मीटर लेना है। तो मैं ले लेता हूँ लंबाई में या फिर चौड़ाई में, लंबाई रहने देता हूँ, लंबाई मुझे चाहिए होती है, तो मैं इसमें चौड़ाई ले लेता हूँ 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी। तो सिंपल आपको क्या कर देना है, 3.33 से 1.50 से इसको भाग कर लेना है, तो 3.33 भाग 1.50, तो हमारे पास 2.22, तो 2.22 मीटर। तो इसकी देख, अब हमारे पास क्या आ गया, डेप्थ। तो डेप्थ हमने कितना निकाला था, 1.50 मीटर, हमने निकाला था 1.50 मीटर, निकल के आ गया है। अब हमने निकाला है चौड़ाई, ब्रेथ चौड़ाई, तो चौड़ाई हमने यहाँ पे निकाला 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर। अब इसमें गहराई क्या लेंगे, चौड़ाई उसको सॉरी विड्थ क्या लेंगे, 2.2 मीटर, तो 2.22 मीटर। अब हम तीनों को गुना करके देखते हैं क्या हमारे पास तीनों का 5.0 मीटर क्यूब आता है। तो अब हम गुना करना है 1.50 गुना 2.22 गुना 2.22 और गुना 1.50, तो 1.50, तो कितना, 4.995, तो 4.995 मीटर क्यूब आ जाता है। तो इस बेस पे आप कोई भी एरिया निकाल सकते हो। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपकी हेल्प जरूर कर देता हूँ।